बिग बॉस मास्टर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिजनेस मैथमेटिक्स, एक ऐसा क्वेश्चन जिस पर बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं पिछले एक सालों से, साधारण ब्याज। इसके जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं अधिकतर वही बच्चों से नहीं बन पाता है और उसी पर कमेंट आते रहते हैं मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में। और इसमें एक बच्चे का भी बहुत ज्यादा भी कमेंट आ रहा था और ऑलरेडी कई बच्चों का आ चुका था, तो मैंने कहा क्यों ना इस पर वीडियो बना दिया जाए, ताकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे जो कमेंट भी नहीं करते पता नहीं किस शर्म से, उनको भी ये वीडियो मिल जाए और वो लोग सीख जाए बनाना। ठीक है, तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर आप बिजनेस मैथमेटिक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, साथ ही साथ आपके जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके इंपॉर्टेंट थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड मैं कर देता हूँ। जो बच्चे सेकेंड ईयर में आ चुके हैं आपके लिए भी कॉस्ट कॉर्पोरेट स्टैटिक्स पर वीडियो बनते रहती है, साथ ही साथ आपके एमपी थ्योरी पर भी। और अभी जिन बच्चों को याद करने में दिक्कत या समस्या होती है उनके लिए मैं अपना ऑडियो लेक्चर भी रेडी कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपको अपने सब्जेक्ट्स के ऑडियो लेक्चर मिलते जाएंगे जो चैनल पे अपलोड होते जाएगा, आप ऑडियो सुन करके अपने क्वेश्चन को आंसर को याद कर सकते हैं या उसको अच्छे से समझ सकते हैं, मैं आप एक्सप्लेन भी करता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक क्वेश्चन है साधारण ब्याज का जो अधिकतर बच्चों से नहीं बनता है। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं कि किसी धन पर इतने वर्षों में इस दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए या इतना ब्याज हो जाता है। लेकिन जब प्रश्नों में बोल दिया जाए कौन सा धन कितने इस प्रतिशत की दर से इतना हो जाता है और उसको दुगने में इतने हो जाता है, समय इतना हो, दर दुगना कर दिया जाए, तो जब ऐसी बातें आती हैं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब इसीलिए मेरे पास कमेंट बहुत आता है तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जिसमें आपका सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 7। बोला है एक धन 4 वर्ष में साधारण ब्याज से 1000 हो जाता है। एक धन था जो 4 वर्ष में साधारण ब्याज से 1000 हो जाता है। दर को अगर बढ़ा दिया जाए 20% तो उतने ही समय में वो 1004 हो जाता है। तो फिर दर और ब्याज ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न ने पूछा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मूलधन और दर आपको नहीं पता, आप उसको वैसे क्वेश्चन मार्क रूप में रख लेंगे या उसको इसमें मैंने क्या बोला था ब्याज है ना, तो ब्याज को आप आई से शो कर देंगे और मिश्रधन का फार्मूला लगा करके आपको क्वेश्चन को बनाना है। जहां पर आपको धन नहीं पता तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये सूत्र है और इसी सूत्र से इन क्वेश्चनों को बनाना है, इसलिए आपको इसको लिख लेना है। ठीक है, जब आप इसको नोट कर लेंगे तो आप बनाने की प्रक्रिया शुरू होगा। आप देख पा रहे हैं इन दोनों पक्षों में आपको P कॉमन दिख रहा है, P यहाँ भी है, P वहां भी है, तो जो दोनों पक्षों में होता है उसको आप कॉमन निकालते हैं। ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ सभी बच्चों को दिख रहा है कि नहीं। हाँ, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, अब आप बनाने के लिए रेडी हैं, तो चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने कहा इसमें जो भी कॉमन है आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर P दोनों में है तो P को हमने कॉमन निकाल लिया, जब यहां से पी जाएगा यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ से पी चला गया तो यहाँ आर और टी बचेगा, इस तरह से जैसे बचा हुआ है बटे में 100 रहेगा। और इस समय जितना आपका 4 वर्ष में जो भी ब्याज था आप उसको बराबर कुछ तरफ रख सकते हैं, आपको मान फिल कर देना है। तो अगले स्टेप में चलिए मैं कर देता हूँ, ये तो मैंने आपको कॉमन निकाला, अब आपको यह ध्यान देना है कि जितना हो जाता है वो ब्याज होता है। 4 वर्ष में वो एसआई से साधारण ब्याज से 1000 हो जाता है, तो 1 का 1 आर का मान आपको आर का मान तो निकालना है, समय आपको 4 वर्ष लिख लेना है, ये और जो 1000 था उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो पहले कंडीशन में जो भी आपने फार्मूला लिखा उसमें जो भी मान पता है आपको पहले कंडीशन में वो रख सकते हैं। समय पता था 4 वर्ष तो हमने समय का मान रख दिया, अगर दर पता होता तो हम आर की जगह रख देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, 4 एकम 4 और 4 25 100, आप 100 को 4 से भाग दीजिए बट्टे में 25 आएगा, या एक एक करके काट सकते हैं 4 × 8, तो 2 बार पढ़ा तो 2 लिखा, अब 8 घटेगा 10 में 2 बचेगा और 4 × 5 = 20, 5 आएगा ही आएगा। अब आपके पास जो बचा आप उसको लिख सकते हैं, तो आपके पास बचा है आर, क्योंकि वो अब 1 बचेगा तो आर एकम आर बटे 25 बराबर आप कितना लिख सकते हैं 1000। आप ऐसे ही आप अपने इसका समीकरण 1 बना करके छोड़ सकते हैं। तो चलिए ये हमने अपना समीकरण 1 बना करके इसको छोड़ दिया। अब हम देखेंगे दूसरे कंडीशन में दर को 20% बढ़ा दिया जाए, दर में कितना वृद्धि कर दिया जाए 20%, तो जो ब्याज था वो उतने समय में 1040 हो जाता है। ठीक है,
तो इसके लिए फिर से हम एक अपना सूत्र लिखेंगे। अब यहां पर आप बता देंगे कि जो ब्याज की दर है मतलब आर, इसी आर में 20% की वृद्धि की जा रही है। कितने प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है? 20% का। तो ऐसा आपको लिख लेना है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे 20% मतलब 20 एकम 20, 20 पंचे 100, आर एकम आर बाई 5, ठीक। अगर आप ऐसे गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 आर हो जाएगा, 5 आर में 1 आर जोड़ेंगे तो 6 आर/5 हो जाएगा। ऐसा अगले स्टेप में कर देते हैं, 5 एकम 5 आर + r/5, तो 5 आर में 1 आर जोड़ेंगे, 6 आर/5। एक बार फिर से देखता हूँ वहां तक आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, यहाँ तक आपको दिख रहा है। ये दो कंडीशन को आपको नोट कर लेना है। पहला कंडीशन ये, उसको ठीक नीचे में रहेगा, जगह कम था इसलिए मैंने यहाँ हल किया है, तो आपको ऐसे अगल बगल नहीं करना है, पूरा क्रम से लिखते हुए ऐसे आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरी कंडीशन या द्वितीय शर्त बोल के इस लाइन को पूरा नोट कर लेना है, ठीक है। इतना आप नोट करिए फटाफट, और तब मैं आपको अब इन दोनों को एक साथ रख के बनाना बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे कुछ कुछ चीजें मिटाना पड़ेगा, तो वही मैं कह रहा था कि आपको ये जो देख रहे हैं सीन, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि मैं आपको आगे कंटिन्यू करवा सकूं। ठीक, चलो। अब ये आप पहले कंडीशन में मिश्र धन निकाल रहे थे, अब इसके लिए अलग निकलेगा, तो इसको ए वन मान लेना है और दूसरा ये टू मान लेना है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो आर है वो 6 है, तो 6 आर लिख सकते हैं। समय में आपको क्या रख लेना है, गुणित करके समय में आपको रख लेना है, क्योंकि समय वही है 4 वर्ष, तो बटे में 4 रख ले, गुणित में 4 रख लेंगे, बटे 100 रहेगा। और यहाँ जो 5 है उसको आप गुणित में नीचे लिख सकते हैं इस तरह से, और जो 1040 हो जाता है उसको आप समाकलन के उस तरफ लिखेंगे, है ना। अब मैं देख लेता हूँ बराबर कुछ तरफ आपने लिखा तो आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, आपको क्लियर दिख पा रहा है, तो यहाँ से हम बनाने के लिए रेडी हैं। जो जो कटता है फिर से काट सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा ऊपर मिटा देता हूँ, क्योंकि अब आपने प्रश्न तो लिख लिया होगा या प्रश्न रखे होंगे तो आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो जितना जरूरत पड़ेगा मैं मिटाते हुए आगे बढ़ूंगा, यहाँ तक तो हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें सॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि 4 एकम 4 = 4, 25 = 100, है ना। तो 6/25 का गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि A2 = P (1 + 6R/125). 6R का 6R बचा, 25 × 125 बचा, ठीक है, और बराबर आपका 1040। अब आप स्पष्ट देख सकते हैं दोनों स्थिति में आपको क्या पता है, P(1 + R/25) = 1000, P(1 + 6R/25) = 1000। आप ये देख पा रहे हैं कि एक समीकरण की तरह आपको दिख रहा होगा, H+Y = कोई संख्या, H-Y = कोई संख्या, दोनों समीकरण को आप जोड़ते और घटाते हैं, जो कि आपके युगपत समीकरण में है, जो कि आपके कक्षा 10वीं में है, 9वीं में भी अध्याय 4 में है, 5 में है शायद। तो ये चीजें आप पढ़ के आ चुके हैं, और पढ़ के आ चुके तो आपको पता होना चाहिए कि अब उन्हीं के जैसे दिखने लगा है। तो यहाँ पर आपको समीकरण के जैसे इनको सॉल्व करना है, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर ये बोल करके आप दोनों को एक दूसरे के नीचे रखेंगे, समीकरण 1 को समीकरण, चलो इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं, समीकरण 1 भागित समीकरण 2। अब दोनों को हम भाग करेंगे बच्चों, तो ये मैं आपको साइड में लिख करके बताता हूं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग करेंगे तो देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ये जानने के लिए कि A1/A2 होने जा रहा है, इसका मतलब कि P (1 + R/25) है ना, बराबर 1000, ये भागित होने वाले हैं P (1 + 6R/125) = 1040, है ना।
तो भाग हो रहे हैं, तो ये लोग सब आपस में भाग होंगे, तो इन दोनों को आप बटे में रख सकते हैं, ठीक है। तो बराबर करके आप रख सकते हैं इन दोनों को बटे में। ठीक, जितना हमने बटे रख लिया, उसके बाद आपको दिख रहा होगा पी से पी कट सकता है, आप काट सकते हैं, ठीक है। पी से पी कटता है, आप काट सकते हैं। आगे एक जीरो से एक जीरो कटता है, आप ये भी काट सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या आपके पास बचा। हाँ, अब जो भी बचा उसको तिरिया गुणा करके आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा पूरी तरह से, और मैं यहाँ साइड में लिख करके बताता हूँ, दो खंड बना करके, ताकि जगह बचे। यही आगे सॉल्व होने जा रहा है, पर इस तरह से मैं दो खंड बना लेता हूँ ताकि इतने में पूरा आपको दिख जाए। अब ये 100 104 को यहाँ ले आइए और इसको वहां ले जाइए, ठीक है। तो ये आपका 104 1+6R और ये 125 आ गया बराबर। ये 100 बचा है जहां पर 1+R/25 आ गया। यहां से अब आप क्या करेंगे, गुणा कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, गुणा। तो गुणा किया गया कि कुछ कॉमन लेट में देख लेता हूं, गुणा ही किया गया, ठीक है। चलिए तो गुणा कर लेते हैं, 104 एकम 104 प्लस 104 छक्का, तो 100 छक्का 600, 4 छक्का 24, तो 624 आर डिवाइडेड बाय 125 बराबर 100 एकम 100 प्लस 100 एकम 100 आर डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये दोनों आपस में कट सकते हैं, तो काट लेते हैं। 25 एकम 25, 25 चौक 100, ये 100 इधर ले आइए, तो ये 104 है उसको ये प्लस से इधर आके माइनस कर देगा। यहाँ पर आपके पास बचा 4R बटे 25, मतलब बटे में तो कुछ बचे नहीं, ठीक है, वो तो कट चुका है, ठीक है। अच्छा, हर समान करके काटना है तो फिर आप उसको वैसे रहने दीजिए, या फिर काट लें कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 624 आर बटे 125। देखिए कन्फ्यूज मत होइए, 100 104 एकम 104, 104 छक्का 624 हो गया, 100 एकम 100 हुआ, 100 चौक 400 हुआ, 25 एकम 25, 25 चौक 100, मतलब 4R बचा आपका। 100 को आपने यहाँ लाया, इसको यहाँ ले आए, तो ये प्लस से इधर आकर माइनस हो गया। यहाँ पर ये दोनों कटेंगे बच्चों, तो सिर्फ 4 बचेगा आपके पास। यहाँ पर 125 एकम 125 का 4 से गुणा, 125 गुना 250, 250 दुगुना 500 होता है, तो यहाँ पर आप 500 आर लिख लेंगे, जो कि 624 आर से घटेगा, तो यहाँ पर आपके पास 124 बचेगा। कितना बचेगा, 124 आर बचेगा, ठीक है। मैं एक बार चेक करता हूँ मैं सही हूँ कि नहीं। ठीक, चार बटे 124 बराबर 8, ठीक है। ठीक, लास्ट में आप इसको पलट देंगे, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, इसको आपको पलट देना है ताकि आपके R का मान निकल जाए। तो R बराबर 125 बटे 4 कर देना है, और आप अब इसको भाग देंगे इस तरह से, तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा। अच्छा, 124 है ना, ठीक ठीक ठीक, मैंने गलत लिख दिया था, ठीक, तभी मैं कह रहा हूँ कैसे कुछ गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ यहाँ पर है कि आपका 124 बचा है, चार तिया 12, 4 1 4 आर का मान 31 आ रहा है, जो कि गलत है, शायद कहीं पर गड़बड़ी हुआ है। हाँ, गड़बड़ी यहां से हुआ है कि जो हमने जीरो से जीरो काटा था वो नहीं काटना था, क्योंकि उससे थोड़ा सा फर्क तो पड़ रहा है आंसर में। वैसे हम काट सकते हैं, लेकिन कई बार मैं देखा हूं कि मैथमेटिक्स में उसको काटने से थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है आंसर में। तो मान लेते हैं अगर हमने नहीं काटा, पूरा 1000 इधर आएगा, 1040 उधर जाएगा,
तो 1040 गुणा करेगा 1 प्लस आर से डिवाइडेड बाय 25 बराबर 1000 से गुणा होगा ये 1 प्लस 6r डिवाइडेड बाय 125। यहां पर हम गुणा करेंगे तो 1040 से कम 1040 और ये भी हो जाएगा आपका 1040r डिवाइडेड बाय 25। ये आपका हो जाएगा 1025, 1000 एकम 1000 प्लस ये 6000r डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, इतना प्रॉपर तरीके से आपका बना हुआ है हमारे नोट्स में। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपना मान पक्षांतर करेंगे और जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो इसको यहाँ उसको यहाँ लाएंगे, तो 1040 में 1000 को घटाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो 6000r में ये घटेगा 140r डिवाइडेड बाय 25। यहाँ पर ये दोनों कटते ही बच्चे 40 बचेगा और इन दोनों का जब आप घटाएंगे तो इनका हर समान नहीं है, यहाँ 125 है, यहाँ 125 लाने के लिए आपको इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, 5×5=125 होता है। तो 6000 का 6000r हो जाएगा, 125 का 25 हो जाएगा, 5×0=0 हो जाएगा, 5×4=20, 5×2 मतलब 2×2 और 5×1=5 और r का r लिखना पड़ेगा और यहाँ पर 25×5=125 होगा। जब दोनों का हर समान होता है तो आपको एक बार लिखना है, तो यहाँ पर ये दोनों को एक बार लिखा जाएगा इस तरह से और ये दोनों घटेंगे तो 6000 में 5000 जाएगा, 1000 बचेगा, 1000 में 200 और घटेगा तो 800r बचा है। अब इन दोनों को पक्षांतर कर दीजिए तो 40 के गुणा में 125 आएगा और नीचे में ये 800 आएगा, बराबर यहाँ पर r रहेगा। अब ये 10 से 10 कट गया, 4×5=4, 4×2=8, 4×9=0 हो गया, 5×4=20 हो गया, 5×2=10 और 5×5=25 हो गया, 25/4 बचा है, कितना बचा है 25/4। और आपको नीचे तक अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको नीचे दिखाने की कोशिश करूंगा, ये ठीक है जो मैंने अभी आपके सामने काटा, ठीक ठीक ठीक। तो देखो एक छोटे से अंक में जो कि गलत नहीं था लेकिन वैसा करने से अगर एक जीरो का फर्क पड़ जाता है तो लास्ट में कई समस्या हो जाती है। तो 25/4 फाइनली r बराबर 25/4 जिसको आप अगर काटते हैं तो 4×6=24 और 1/4 आप लिख लेंगे जो बचा है उसको, तो 6.5 ये आपका दर है जो आपके आपके बुक में आंसर के रूप में दिया होगा, आप देख सकते हैं। अब समीकरण एक में रख करके आप दूसरे का मान निकालेंगे तो अब आप ये तो टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटाता हूँ, समीकरण एक को बस रखने देता हूँ, वैसे हम दो में भी रख के निकाल सकते हैं पर समीकरण एक ज्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो चलो इसको मैं मिटाता हूं, ध्यान देना, और ये रहा आपका समीकरण एक। समीकरण एक में r का मान रखा, समीकरण एक है आपका ये a बराबर p 1 प्लस r बाई 25 बराबर 1000। ठीक है, तो देखिए p का तो अभी मान हमें पता नहीं, r का मान हमें पता है 25/4, तो 25/4 लिखेंगे बटे 25 लिखेंगे बराबर 1000 लिखेंगे। ठीक है, देखो ऊपर में 25 रहेगा उसका 4 नीचे आ जाएगा फिर ये दोनों 25 कट जाएंगे तो p बराबर आपको लिख लेना है 1/4, जब कुछ ना बचे तो ऊपर में क्या रहता है 1/4 बराबर 1000। p बराबर आप लिखेंगे 4×4 में जोड़ेंगे 5/4 बराबर 1000। अब p का मान निकलेगा 1000 के पास इनको फेंक दो तो जो बटे में है वो ऊपर में आता है, जो ऊपर में वो नीचे आता है, तो 5×2=10, 200 बचा जो को 4 से गुणा करेगा तो 800 हो जाएगा, तो मूलधन आपका निकला 800। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर गड़बड़ी नहीं हुआ होता तो ये क्वेश्चन और भी जल्दी बन जाता। ठीक है, आप एक बार मैं नीचे दिखा देता हूँ क्योंकि कई बच्चों को नीचे नहीं दिखता। ठीक है, आ गया समझ? ठीक, तो छोटी मोटी गलती एचडीएम सर की क्लास में हो जाती है, तो आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइए और पार्ट टू के लिए कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक लाइक लाइक, बाय बाय।